मेहनत करते रहो, मेहनत फल ला दे। देखो आते अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का बुकिंग आ गई हो। आओ अल्मोड़ा सीधा का ड्राइवर। दोस्तों हम पिछले 10 मिनट से मैच देख रहे हैं, ये समझ के कबड्डी देख रहे हैं, कबड्डी देख रहे हैं। एक मिनट पहले समझ में आएंगे तो खो खो चल रहे हैं। तो यार टपकी के साथ सुबह सुबह भात का आनंद अलग ही है यार। तो रोटी की कदर मैं जान गया हूँ, इसलिए जाना क्योंकि आज तक तो मतलब समझ रहे हो पत्ते नहीं जलचो। मेरी YouTube की जितनी पेमेंट आ रही सारी टैक्स कट बोम रहे। मैं तो खुश है यार, इतना हिसाब बन रहा है, इतना हिसाब बन रहा है, ऐसे आएगा वो पेमेंट भी टैक्स कट के आ रही है। तो यार दोस्तों एक गाना नहीं जो मेरी इमली भूखेले मर गए, तो इमली यही है। आ मिल गई इमली, इमली मेरे को आ गई थी यहाँ पे झपकी, मतलब नींद आ गई थी और बारिश हुआ था। तो मैं आपको केटल के हाल दिखाता हूँ, बड़ी वेर बिल्कुल काले कर यार, और पानी इतना पुटैन हो रहा है, चॉकलेट डाला होगा इसमें, ये साहब ये तला, ये अभी जला हुआ है यार। गुड मॉर्निंग यार गाइस, तो नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। ठंड देखो इसे महसूस कर सकते हो, और पूरी जो है आज हल्की घाटी है, हल्की बाजार है, पूरी ढकी हुई कोहरे से। थोड़ी देर बाद एक कोहरा वो हट जाएगा और चलते हैं अल्मोड़ा की ओर एक नए सफर में, और मिलते हैं आप सभी को। तो चले चले, बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर। तो यार गाड़ी को यहाँ पे कर लिया गया स्टार्ट। अरे चाचा अल्मोड़ा अल्मोड़ा। तो क्या है कि यार सर्दियों में जो सबसे मेन दिक्कत है ना यार, वो रहती है गाड़ी को स्टार्ट करने के लेके। और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर ली गई है, लेकिन यार अंदर के मैं आपको हाल दिखाऊँ ना, डेली सफ़र की वजह से यार गाड़ी धोने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता। और देखो हालत ऐसी होगी, अब अगर इस गाड़ी को मैं कल धोता या आज धोऊँ, मुझे निकलना अल्मोड़ा, फिर ये गाड़ी ऐसी हो जानी, फिर अगर गैप हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू चलनी है। तो जिस वजह से आप मोस्टली गाड़ी गंदी ही रहती है। तो मैंने शुरुआत की थी ब्लॉग की, तो मेरा तब से ही हाथ बिल्कुल इस एंगल में रहता है जिससे कि हाथ नहीं दिखता है। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ कि जितने अधिकतर जो ब्लॉगर है, पता नहीं उनका हाथ ऐसे क्यों दिखता है, मेरे को ये समझ नहीं आता। तो वो चीज़ ना बड़ी ऑड सी लग रही थी मैंने बहुत, क्योंकि मैं देखता हूँ यार, मैं ब्लॉग देखता हूँ, मैं सभी लोग के बराबर ब्लॉग देखता हूँ, अपने को मोटिवेट करने के लिए भी देखता हूँ, मेहनत करने के लिए भी देखता हूँ, सबके लिए देखता हूँ। तो देख रहा था कि ये वाला एंगल आ रहा था मोस्टली लोग का, तो वो ये हिस्सा ना तो पूरे ब्लॉक की मतलब शान बूस्ट कर देता है। तो आपका एंगल ये होना चाहिए, हाथ को ऐसा नहीं रखो, गर्दन ये मत रखो, आप इसको गर्दन के लेवल तक बंधाओ, अल्ट्रा यहाँ लाओ, आपको कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा देखो। लेकिन अगर आप हाथ का एंगल टेढ़ा करोगे, पोस्चर ऐसा करोगे ना, तो फिर ये दिख जाएगा देखो। तो मैं कोई भी सीन दिखा रहा हूँ ना, कितनी प्यारी जगह है, कितनी बढ़िया माउंटेन है, बर्फ पड़ी है, वो बर्फ नहीं दिखेगी, वो तुम्हारा हाथ चाल। मैंने जितनों के ब्लॉग देखे मैं उनके हाथ देखने में रह गया, मतलब ये वाला एरिया जो है। तो आप लोग के लिए है प्रॉपर, तो जब भी आप ब्लॉग बनाएंगे ना तो इस तरीके से बनाओ, वो बहुत प्यारा लगता है। बाकी बढ़िया यार सभी लोग का, मतलब मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ कि ऐसा करिएगा करके। तो गुड मॉर्निंग, आ गया, रुको बाजार में सुनसानी है, अलमाड़े जमसु इंधन ने मिले मिला पैसेंजर में की मिलाल मैं जो डैजी लोग उधार मांगू मणि एक दी। मेहनत करते रहो, मेहनत फल ला दे। देखो आती है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का बुकिंग आ गई हो, थोड़ी देर में आधा घंटा और रुकता हूँ, मेरा पूरी बुकिंग वसूल है। आओ अल्मोड़ा सीधा का ड्राइवर। अरे कच्चे सब कमाई बढ़िया है यार इसमें, मैं तो खाली ठाड़ में मेरा अलमारी कोई बुकिंग आएगा साहब। अब देखो यार ये बस। तो यार टपकी के साथ सुबह सुबह भात का आनंद अलग ही है यार। आहा हा, और ज्यादा नहीं हो रहा है समय, सुबह के क्या बज रहे हैं, लगभग 10 तक बज रहा होगा, लेकिन थल में बिल्कुल धूप नहीं निकली यार, मौसम पता नहीं क्या है। तो रोटी की कदर मैं जान गया हूँ, इसलिए जाना क्योंकि आज तक तो मतलब समझ रहे हो पत्ते नहीं जलचो। मेरी YouTube की जितनी पेमेंट आ रही है सारी टैक्स कट बोम रहे।
मैं तो खुश हूँ यार, इतना हिसाब बन रहा है, इतना हिसाब बन रहा है, ऐसे आएगा वो पेमेंट भी टैक्स से कट के आ रही है। तो अब आ रहा है समझ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा समझ लो, थोड़ा बचा लेता हूँ अभी ब्याह लेकर उनसे। बाकी क्या करता मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग में चोट लगी ना पिछले साल, तो मैं भूल जा रहा हूँ आजकल चीज़ें, जो भी है चलो हो गया। तो खाना वगैरह खा लेते हैं, और ये गोकुल डाके वहाँ की फेमस रोटी चना और क्या कहते हैं आलू की सब्जी, और थल में आएंगे अगर आपने मच्छी खाने तो यहाँ पे जरूर विजिट करना यार। वैसे मेरे से जितने लोग कॉल करते हैं मैं यहीं पे भेजता हूँ उनको, बाकी अगर कभी पता नहीं चलेगा तो ये मौनी तिराहा है, थल की टेक्सचर रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके आप खा सकते हैं। तो यार दोस्तों एक गाना नहीं जो मेरी इमली भूखेले मर गए, तो इमली यही है, आ मिल गई इमली। इमली रहती ब्याण पेट सूझ पड़े वे कदर अटकाए लन तो नौ बज रहा नैल इमली खाब चाहिए, लेकिन रोटी घर से लाते हैं हमारे गांव वाले ना, मेहनती तो है ना, रोटी घर से लाते सब्जी यहाँ से खाते हैं। चले फिर दोस्तों, अल्मोड़ा की वादियों में पहुंच चुका हूं। सुबह घर से निकले, लगातार ड्राइव की, तो शरीर काफी थक चुका है। ऐसा कुछ है कि एक मित्र आने वाले पिथौरागढ़ से और पहुंचे नहीं है, तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हम कसार देवी जाए, होटल का रूम लेके रुके हैं, या मतलब जिले सहन ताज ना हो मुझे, तो खाना खाता हूँ, मुझे एडिटिंग भी करनी है आज की, जो आज तो रोड साइड पे कहीं गाड़ी लगाता हूँ टन का पड़ जाऊँ। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मन को मर गयो के लिए होना नहीं यार पतर, तो कुछ ना कुछ ऐसी निशानी छोड़नी पड़ेगी, मैं जिंदा हूँ। बहुत बार होता है ऐसा ना, मन को दिन कारा पदर की जाएगी, दम घुट गया जाएगा, हो गया ये वो। तो यार दोस्तों फाइनली स्पॉट मैंने ढूंढ लिया रुकने का। मैं अभी हूँ लोधिया पे, जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं, क्योंकि जब आपकी टैक्सी गाड़ियाँ आती है तो मेन मार्केट से नहीं जाती, क्योंकि मैं खीम सिंह मोहन सिंह से मिठाई लेता हूँ, तो वहाँ पे टैक्सी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तो रात्रि के समय दिन के समय मिठाइयाँ लोग यहीं से ले जाते हैं। और यहाँ पे कृष्णा हार्डवेयर और मोहित ब्रदर्स जो गाड़ियाँ हैं भिंजू लोग की, वो यहीं पर रुकते हैं, तो बहुत पहले से मेरे परिचित है दुकान वाले। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा चाय पानी पी, पकौड़ी खाई, मैगी खाई, अब एडिटिंग का टाइम है और जो मित्र आ रहे हैं उनके आने में टाइम है, तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ आधा घंटा, यहाँ पे सो भी जाऊंगा एडिटिंग के बाद। तो यार दोस्तों एक नींद पूरी करने के बाद उठ चुके हैं, और अल्मोड़ा की सामने ताजी ताजी हवा लेते हुए, तो कितना प्यारा है यार, देखो ना सनसेट यहाँ पे होता हुआ। अब पियेंगे हम चाय, क्योंकि मेरे को लग चुकी है चाय की तलब, और थोड़ी देर जो रेस्ट किया उससे शरीर बॉडी काफ़ी खुल गई, मतलब बाकी देखो यार यहाँ पे मैं हूँ और इतना प्यारा सनसेट हो रहा है यार, ये देखो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। और आज का रूम भाई के सौजन्य से, तो दोस्तों फाइनली रूम ले रहे हम, बताइए करेंगे, मैं तो तेल भी उधार भर के लाया था इसे। वैसे थोड़ी है, खाली ठीक है, आदमी रहेंगे ना, हाँ सिर्फ दो पूरी हजार देता हूँ, पंच देता हूँ नाश्ते के टाइम पे, बीच में वो कुशन रख देना। टीवी भी है, बढ़िया टीवी में गोगेल पानी डाल कौन यार, इसी बाप रे। दोस्तों हम पिछले 10 मिनट से मैच देख रहे हैं, ये समझ के कबड्डी देख रहे हैं, कबड्डी देख रहे हैं, एक मिनट पहले समझ में आएंगे तो खो खो चल रहे हैं। और उससे बड़ी बात, होटल वालों से हमने रिक्वेस्ट किया यार केटल दे दो, ठंडा लगा पानी गर्म कर लेंगे, मेरे को आ गई थी यहाँ पे झपकी, मतलब नींद आ गई थी,
और 22 पे आता तो मैं आपको कैटल के हाल दिखाता हूँ। बड़ी वेर बिल्कुल काल कर यार, और पानी इतना पुटैन हो रहा है ना, चॉकलेट डाला होगा इसमें, ये साहब ये तला ये अभी जला हुआ है यार, ये पानी यहाँ पुटैन हो रहा है यार। हाँ कमरा बढ़िया है वैसे ना, वही इस कमरे का दिखाता हूँ आपको एक बार, 360 देख लो ठीक है। अंदर वॉशरूम में गीजर है, गीजर है, सब चीज है, इंग्लिश टॉयलेट है, और साथ में वो आया ही है पानी गर्म करने, पानी गर्म आए। अब गवार टाइप के होटल में पहली बार गए ऐसा मत कहना, देखो ये प्रैक्टिकल रिव्यू दे रहा हूँ। 5 स्टार होटल में मैं भी गया हूँ, 3 स्टार में मैं गया हूँ, सब जगह गया हूँ, लेकिन ये क्या है कि मैं अल्मोड़ा क्षेत्र में आया तो बहुत सारे भाई बंधु लोग ऐसे लोग हैं जो ब्लॉग देखते हैं, जो कि एग्जाम देने के लिए आते हैं, अपनी पढ़ाई के टाइम पे आते हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मोस्टली फिर ऐसा भी होता है ना, चीची पहली बार होटल में गंवाड़े की तरह हरकत करते हैं, नो नो, हम जितना जताते हैं उतने हैं नहीं, हम सिर्फ हम और आपकी आपसी खुशी के लिए समझ लो ये चीज़ें करते हैं। और कहाँ ये सारा समझ गए होगे, ये सारे तो बहुत खतरनाक देता हूँ। बाकी पानी पी रहे बढ़िया बढ़िया, और साथ में खो खो और कबड्डी दे, कबड्डी जल्दी देख। जब मैंने खम्बे देखे ना, मैंने कहा कबड्डी में तो खम्बे होते ही नहीं है, अब दिखा दे ये पकड़ खो खो जल्दी देख, इसको भी नहीं फिर चल, मेरे को नहीं पता, तेरे को तो पता होता है। मैं देखिए फिर वॉशरूम चलेगा। तू कबड्डी कह गया जब मैच तूने लगाया कबड्डी हो रही करके, दिमाग खराब यो चाहो यो खाली वो हुआ था ना उस टाइम पे राष्ट्रीय हो रहा था। यहाँ पे मैं इमोशनल हो गया यार, मैं कह रहा हूँ कि भाई को ये गाने लगा के सुनेंगे हम रात भर, नींद आ जाएगी, पुराने टाइम में लौट गया मैं 90s में, क्या समय था यार, तब क्या वक्त था यार, क्या लोग थे, अब लोग ले पैपे यान नंग रणा मन को 90s में कितने में 96 में पैदा हुए ना, 96 नवंबर 23 नवंबर 4 साल में क्या क्या देख दिया होगा आपने, वही तो कह रहा हूँ। चार क्या दे सारा है अब तुम्हारा है, हमारे बगल में पर्यटक आए इधर उधर के, जोर जोर से चिल्लाओ आप खुद ही बताओ यार, नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं है कोई कोई है ऐसा जो कह दे कि क्या बोलते हैं 90s के गाने गंदे थे, अब नए गाने पैसा अंबानी को डोंगलामा जंगला में, और ठंडा इतना हो रहा है अल्मोड़ा में, जैकेट में ही सोना पड़ रहा है मैंने, और कपड़े भी लाया था बट आलस्य आ रहा है तो इसमें सो जाता हूँ। बाकी हमारे बीच में लक्ष्मण रेखा के लिए बढ़िया इन्होंने पहले से ही रखा है, काफ़ी अच्छा है मतलब समझ रहे हो। ए अजी गए शिवो सपना में आई के जाई के गोरी कुड़िया तुमने उड़ाई ले निंदिया, कितने फेमस गाने थे यार, गाना यार एक दौर था किसी गाने होते थे इस मूवी, आवाज बड़ा आवाज बड़ा यार, मेरे दयानंद जब मैं पढ़ता था तो मेरे स्कूल टाइम के जितने भी दोस्त थे, गौरव धामी, मोहित उपाध्याय, हेम पांडे, रवि कोहली भाई, विक्रम कठायत, बिन्नी, तमन्ना, दीपागिरी, दीक्षा, ज्योति, सोनिया, छोड़ी का सब नाम याद है, लूटना भूल जा मैं। तो यार अभी ये गाना लगा जैसे ही, क्या मुझे उतना आइडिया नहीं है क्या हुआ मेरे नवराजा सो गए, और बाकी तो आप लोग भी जानते ही हैं जो इनके ब्लॉग देखते हैं इस तरीके के व्यक्ति हैं, मतलब देखो यार सोते हुए नहीं होती है ना, सुअर की आदत होती है कि जैसे कीचड़ में जाता है गंदगी देखता है, इधर उधर नींद जो आती होती है तो मतलब देखता ही नहीं है कुछ उस तरीके का यार, देखो यार पता नहीं क्या राज छुपे हुए हैं इसके अंदर, और सो जाता हूँ मैं अब, और बाय बाय टेक केयर, जा पाला बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से, बस अपना ख्याल रखना, और बस एक चीज़ और, हंसी कर दे बाबू।